नमस्कार दोस्तों, आज 11 अक्टूबर है। आने वाला जो वीक है 12 to 16 अक्टूबर, इसमें क्या हम लोग निफ्टी की चाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या पैरामीटर्स देखना चाहिए इंक्लूडिंग ग्लोबल पैरामीटर्स, क्या क्या इवेंट्स लाइंड अप है, वो सब हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो 4th अक्टूबर को लास्ट संडे को अपलोड किया गया था, जिसमें क्लियरली व्यू दिया गया था कि आपको पॉजिटिव व्यू बनाए रखना है, पॉजिटिव बायस बनाए रखना है पूरा का पूरा वीक के लिए। 5th to 9th अक्टूबर एकदम क्लियरली कहा गया था, जिसमें आपको एक ट्रेड भी दिया गया था 11,400 का कॉल ऑप्शन, और निफ्टी 11,900 के ऊपर बंद दे दिया है। तो ये जो ट्रेड है ये ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल रहा है। जो हमारा व्यू था वो बुल्स आए लग गया है। तो जो जो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने अच्छा खासा इसमें रिजल्ट देखा है। अभी हम लोग देखते हैं आने वाला वीक में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो आने वाला वीक है उसमें काफ़ी अर्निंग्स से लोडेड है। बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, ये सब के रिजल्ट्स हैं। फिर बैंक निफ्टी के हिसाब से 13th अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके पहले ही आज, कल, यस्टरडे गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल रखा है, जिसमें वो कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट लगा है लोन्स अप टू 2 करोड़ के ऊपर, उसको उन लोग वेव ऑफ करने का बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो जो पूरा का पूरा हिट होगा बैंकों को, तो गवर्नमेंट उसको कॉम्पेंसेट करने की बात कर रही है। सो वो सब पॉजिटिविटी को ऐड कर रही है बैंकों के जो सेंटीमेंट है बैंक निफ्टी का। फिर माजगांव डॉक जो है इनका, ये स्टॉक का और UTI एसेट मैनेजमेंट का लिस्टिंग है। सो ये सब इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है। CPI का भी डेटा एक्सपेक्टेड है, WPI का डेटा एक्सपेक्टेड है। फिर आपका RBI पॉलिसी भी होके गया, उन्होंने रेट कट तो किया नहीं, लेकिन काफ़ी बैंक्स को और इकोनॉमी को सपोर्टिव उन्होंने मेजर्स लिए हैं, जिसमें TLTRO रेपो ऑपरेशंस और वो सब अनाउंस किए हैं लिक्विडिटी लेवल पे। और कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो इंडिया में ये सब टॉपिक पे अभी बात करना बंद हो गई है। Nobody is talking on कोरोना वायरस सिचुएशन इन इंडिया। तो ये तो टॉपिक ख़त्म हो गया है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अनलेस अ सेकेंड वेव इज सीन। बट यूरोप में ज़बरदस्त तरीके से सेकेंड वेव कम बैक कर दिया है। जो बड़े बड़े वहाँ के देश हैं, फ्रांस जैसे, वहाँ पे 19,000 डेली के पॉजिटिव केसेस नोट हो रहे हैं, जो पीक ऑफ कोरोना टाइम्स केस में जो देखा गया था उससे भी ज़्यादा है। सो रिकॉर्ड लेवल पे वहाँ पर पॉजिटिव कोरोना केसेस देखने मिल रहे हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो सब हम लोग एनालाइज करेंगे। सो जो वीक बीता है उसके अंदर निफ्टी में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड तरीके से गैप अप पे गैप अप देखे गए हैं। ये देखिए 790 का एक लो था, उसके बाद ऊपर आके हम लोगों ने जो 4th अक्टूबर को व्यू दिया था आफ्टर द वीक विच क्लोज्ड ऑन 1st ऑफ अक्टूबर। सो यहाँ से अच्छा खासा निफ्टी में जम देखा गया है। सो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं डेली पे, ये जो गैप अप पे गैप अप, दिस इज़ ऑल अनप्रेसिडेंटेड। पॉजिटिव न्यूज़ है, ग्लोबल लेवल पे स्टिमुलस का पॉजिटिव न्यूज़ था। स्टिमुलस अभी तक पास तो हुआ नहीं है, लेकिन टॉक्स जो है बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, जो बीच में फेल हो गए थे बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हैड पुल्ड बैक द डिस्कशंस। सो ही वेंट बैक टू द अपोजिशन लीडर Nancy Pelosi and again sent his representative with a revised stimulus figure, and stock talks are still going on, although the differences continue to remain high. Now we have to see whether this stimulus gets passed before the election on November 3rd
या फिर ये सब डिस्कशन लेवल पे ही चालू रहेगा ऑन अ डे टू डे बेसिस, वीक टू वीक बेसिस। एक हफ्ता तो निकल गया है, कोई रिजल्ट आया नहीं है स्टिमुलस लेवल पे, सिर्फ टॉक्स आर गोइंग वेल इस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं, जो अपडेट्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ रहे हैं और नैन्सी पेलोसी भी आ रहे हैं। तो ये जो रैली देखी गई है, इसमें जो मुझे एक ऑब्जर्वेशन देना है वो है वेल का। हर एक इंडेक्स में ग्लोबली कभी ना कभी कोई ना कोई वेल का एंट्री हुआ है। इंडिया में इस तरीके का जो वेल है वो लास्ट टाइम देखा गया था मिस्टर हर्षद मेहता के टाइम पे, जो अनप्रेसिडेंटेड जो इनके पास मनी का एक्सेस होता है उसके बेसिस पे वन साइड मार्केट को पुल किया जाता है। अभी इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं एंड दैट इज़ सपोर्टिंग द मूवमेंट इन निफ्टी, ये सब आर्ग्यू कर सकते हैं। जैसा पिछला वीक में HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, टाइटन, ये बाकी छोटे मोटे जो बैंक हैं, RBL, बंधन, ये सब में क्वार्टरली जो ऑपरेशनल डेटा आता है वो काफ़ी अच्छा रिपोर्ट हुआ था। लेकिन ये तो हर क्वार्टर का अपडेट हर नेक्स्ट क्वार्टर के शुरुआत में आता है, लेकिन इस तरीके का जो अनप्रेसिडेंटेड मूव देखा गया है इसमें मुझे पूरी तरीके से एक विश्वास बन गया है कि इसमें कोई वेल घुस गया है। सो लास्ट टाइम जो मिस्टर हर्षद मेहता के टाइम पे इस तरीके का मूव देखा गया था उसमें तो वो स्कैंडल हो गया था, बिकॉज ऑल ऑफ दैट मनी वॉज ओन बाय बैंक्स एंड इट वॉज बींग मिसयूज्ड इन द मार्केट। लेकिन रिसेंट टाइम्स में अगस्त में हर्षद मेहता जो स्कैम था उसका एक रिपीट हुआ है US के NASDAQ में, जिसमें जापान का मल्टीनेशनल जो इन्वेस्टमेंट बैंक है सॉफ्ट बैंक, इसका पैसा एज अ वेल NASDAQ में एंट्री लिया गया था, जिसमें उन्होंने ऑप्शंस लिए थे डेरिवेटिव्स के, स्टॉक्स और इंडेक्स के। हर्षद मेहता साहब के टाइम पे उन्होंने स्टॉक्स लिया था, क्योंकि वो टाइम पे डेरिवेटिव मार्केट्स हम लोग का था ही नहीं, बिकॉज NSE था ही नहीं वो टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ BSE था। सो ये पुराना ओल्ड स्कूल तरीका था स्टॉक्स खरीद के उनको कॉर्नर करना, स्टॉक्स का लिक्विडिटी कम कर देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक यू ओन, जब लिक्विडिटी कम हो जाता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, बिकॉज स्टॉक्स है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल, उसके चलते और स्टॉक्स एंड ओवरऑल इंडेक्स जो है वो भागते ही रहता है जब तक कि वो आपका बबल बस्ट ना हो। तो इसी तरीके का हर्षद मेहता टाइप का जो स्कैंडल था वो लीगल तरीके से NASDAQ में देखा गया था। सो वील रिविजिट क्या हुआ था NASDAQ में अगस्त के महीने में। ये देखिए, ये जो सॉफ्ट बैंक है इन्होंने NASDAQ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑप्शन लिए थे। ये देखिए आप पैराग्राफ में लिखा है, इन अगस्त एक ही महीना में टेस्ला का स्टॉक 74% अप हो गया था, एप्पल 21%। डोंट फॉरगेट एप्पल मार्केट कैप इज़ मोर देन $2 trillion, 20% इज इक्वल टू $250 billion। तो ये जो रिलायंस जो 30-40 साल लगे हैं इनको खड़ा करने में, मोर देन दैट, वो इन लोग एक महीने में ही उतना मार्केट कैप ऐड कर दिए हैं। सो एप्पल का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, क्वार्टरली जो उन्होंने अपडेट्स दिए थे और रिज़ल्ट दिया था, फेसबुक का अच्छा आया था, गूगल का अच्छा आया था, टेस्ला का भी जो डिलीवरीज है उनके कार्स के, सब पॉजिटिव था। लेकिन इस तरीके का जो मूव आता है ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बाइंग या एक बाइंग फ्रेंजी अमंग्स रिटेल HNIs उसके वजह से या म्यूचुअल फंड्स
का बाइंग फ्रेंजी, उसकी वजह से इस तरीके का मूव नहीं आता है। उस तरीके का मूव अगस्त 2009 में देखा गया था, जनवरी 2009 में देखा गया था, जो एक ग्लोबल लेवल पे रैली थी। एंड देन उसके बाद लेमन ब्रदर के क्रैश के बाद ग्लोबल फॉल देखा गया था। तो वो एक एग्जूबरेंस था, वो एक यूफोरिया बन गया था ग्लोबल लेवल पे, बाइंग फ्रेंजी आ गया था। लेकिन ये जो मूव आप देख रहे हैं, एक ही महीना में 70-70% बड़े बड़े स्टॉक चल रहे हैं, 20-20%। एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी, 20% एक ही महीना में चलता है, ना कि एक साल में। सो ये सब सॉफ्ट बैंक जो है, इसमें वेल एज ए वेल एंट्री लिया था। वेल वही होता है जो अकेला पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट मैन्युपुलेट करने का ताकत रखता है। तो ये हर्षद मेहता जो स्कैम था उसका एग्जैक्ट रेप्लिका था। फर्क यही था कि ये पूरा का पूरा पैसा लीगल है, ये पूरा का पूरे पूरे के पूरे ट्रेड्स लीगल थे। और इन्होंने जब मार्केट को, नैसडैक की मार्केट को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे लेके गए थे, सो एक पैरामीटर होता है RSI, तो RSI पैरामीटर इन्होंने अवरली चार्ट पे 93 तक उसको लेके गया था। नाउ 75-80 के ऊपर RSI को ओवरबॉट समझा जाता है, और 25-20 के नीचे RSI ओवरसोल्ड समझा जाता है। RSI का जो रीडिंग होता है वो हिसाब से जो इंडेक्स या स्टॉक है उसको ओवरसोल्ड या ओवरबॉट समझा जाता है। तो 75-80 का RSI को ओवरबॉट कैटेगरी में डालते हैं, ये लोग 93 वो RSI लेके गए थे। और एक ही वीक में जो फॉल आया है, जो ग्लोबल फॉल में तब्दील हो गया, सो एक ही वीक में नैसडैक 93 के RSI से 1919 के अवरली RSI पे आके रुक गया था। सो इसी तरीके का जो मूवमेंट है वो निफ्टी में देखा जा रहा है। सो निफ्टी में ऑलमोस्ट मैं श्योर हूँ कि इसमें कोई ना कोई जो है व्हेल मछली घुसी हुई है, इसमें कोई ना कोई एक व्हेल ट्रेडर ने एंट्री लिया है। अब ये व्हेल एग्जिट कब करेगा, ये व्हेल एग्जिट बता के तो करता नहीं है, और शायद निफ्टी में ये पकड़ा भी नहीं जावे। अगर ये लीगल तरीके से हो रहा है तो जब ही वो सेल करेंगे तभी पकड़े जाएंगे। सो नैसडैक में भी जब उन्होंने सॉफ्ट बैंक ने एग्जिट करना चालू किया तभी वो पकड़ में आया। सो निफ्टी के अंदर 100% मेरे हिसाब से एक व्हेल का एंट्री हुआ है। उसी के चलते अब आवरली लेवल पे देखिए, ये सब 84-85 के RSI देखे गए हैं, अनप्रेसिडेंटेड ये सब हो रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ अपनी जगह है, इस तरीके का बाइंग विदाउट मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। वो मैनिपुलेशन लीगल है वो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन ये विदाउट मैनिपुलेशन इस तरीके का बाइंग देखने मिलता है। ये देखिए आप आवरली RSI HDFC बैंक का 86, क्लोजिंग RSI आप देख सकते हैं राइट में ब्लू कलर में 84। सो आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पॉजिटिव व्यू ही दिया था 5th ऑफ अक्टूबर को फॉर द एंटायर वीक, वैसा ही हुआ, बुल्स आई लगा है तो हमको तो खुशी मनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल खुशी मनाते हैं, हमारा ट्रेड बुल्स आई लगा है, लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये जो मूव आया है निफ्टी में ऑन अ डेली बेसिस, ये विदाउट मैनिपुलेशन फ्रॉम अ व्हेल ट्रेडर हो ही नहीं सकता है। हम लोग का ट्रेड सही गया, सब कुछ सही गया, लेकिन यहाँ से अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो शायद बहुत लोग मिस कर दिए हैं। सो पोस्ट कोरोना टाइम में ये देखिए, पोस्ट कोरोना टाइम जो यहाँ से रिकवरी आया है, इसमें एक टॉप देखा गया था 31st अगस्त को 794, और ये टॉप वो नैसडैक के टॉप से मेल खाता है, और वहाँ से आपका 1000 पॉइंट का निफ्टी उतर गया था। सो ये जो निफ्टी में रैली आया है ऑन अ डेली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, सो ये आप 8 अक्टूबर का चार्ट देखिए, इसका लो है 791। सो वो 790 जो अप्रॉक्स लेवल है उससे मेल खाता है। सो अच्छा खासा यहाँ पे 100 पॉइंट का फॉल देखा गया था फ्रॉम द टॉप। ये कैंडल रेड इसलिए है
बिकॉज क्लोज जो है वो ओपन के नीचे है, ऑल दो दिस इज स्टिल अबव प्रीवियस डे क्लोज. प्रीवियस डे क्लोज था 7:38, इसका क्लोज है 8:34. सो यहाँ पे लो देखा गया था 791. सो ये जो लो था, ये जो हाई था 794 का, जो पूरा का पूरा पोस्ट कोरोना सेशन का हाई था, उसके ऊपर जाके उसके ऊपर ओपन होके एक्चुअली यहाँ पे देखिए हम ओपन दिया 835 का. 31 अगस्त पोस्ट कोरोना सेशन का हाई था 794, उसके ऊपर ये जबरदस्त तरीके से ओपन देके जो सेल ऑफ आया है वो भी बराबर 791 पे रुका है. ये थर्सडे एक्सपायरी की बात है. इसमें हम लोग को एक जबरदस्त कॉम्प्लेशन ऑप्शन भी मिला था जो हमारे प्रिविलेज्ड और एलीट ग्रुप है उसमें बताया गया था टेलीग्राम के, जिसमें हम लोग लाइव सेशन पे कमेंट्री भी करते हैं और एडवाइस भी देते हैं. सो ये एक इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिए कि 790 का जो लेवल है यहाँ पे भी देखिए फ्राइडे को बराबर 805 का लो है. तो अभी नेक्स्ट वीक हमको क्या करना चाहिए? सो नेक्स्ट वीक में एक 790 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है. इसके नीचे पानी पानी हो जाएगा निफ्टी, 790 के नीचे हाहाकार हो जाएगा निफ्टी के अंदर. लेकिन अगर वेल इसके अंदर है, जो मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई इसके अंदर बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एज ए वेल ये सब मैनिपुलेट कर रहा है, और वो लीगल तरीके से इन लोग मैनिपुलेट करते हैं, जैसा सॉफ्ट बैंक के ने किया था नैसडैक में. कोई भी रेगुलेटर कुछ नहीं कर सकता है, आप सिर्फ देख सकते हो क्या हो रहा है. सो ये अभी निफ्टी आवरली लेवल पे भी आप देखिए अच्छा खासा 84 का RSI टच करके ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ गया है. सो यहाँ पे ये ओवरबॉट तो हो ही गया है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, और ये ग्लोबल लेवल पे टिका हुआ है. एक पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टिमुलस स्टॉक्स के ऊपर, उसका क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि इन लोग जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड मिस नैन्सी पेलोसी, ये जो गवर्नमेंट और अपोजिशन का इन लोग का जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी जिगजैग तरीके से ऑब्जर्व किया गया है. कभी भी इन लोग कुछ भी बोल रहे हैं. सो वो एक्चुअल लेवल पे क्या होगा वो तो एक्चुअल इवेंट के बाद ही पता चलेगा कि स्टिमुलस स्टॉक्स एंड हो गए हैं, फेल हो गए हैं, या स्टिमुलस आ रहा है, या इस तरीके का टॉक्स चलते ही रहेगा टिल दी इलेक्शन November 3rd. लेकिन निगेटिव की अगर बात की जाए तो यूरोप के अंदर जो कोरोना वायरस केसेस डेली देखने मिल रहे हैं, UK में, फ्रांस में, बड़े बड़े कंट्रीज है ये, फ्रॉम दी पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, यूरोप के लेवल पे बड़े बड़े कंट्रीज है ये, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो पेरिस में ऑब्जर्व किया गया था कि अच्छा खासा राइज हुआ है डेली कोरोना वायरस केसेस में. फ्रांस में जो 19,000 का डेली का डेटा आया है पॉजिटिव केसेस का, वो अनप्रेसिडेंटेड है, रिकॉर्ड हाई है. इवन जो पीक था मई जून जुलाई का, उससे भी ज़्यादा आज वहाँ पे पॉजिटिव केसेस देखने मिल रहे हैं. तो सेकेंड वेव वहाँ पे क्लियर तरीके से चालू हो गया है. सो यूरोप फंडामेंटल लेवल पे वापस से खतरे में आ गया है, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन काफ़ी स्ट्रिक्ट इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया है. सो निफ्टी के अंदर तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन पॉजिटिव अपडेट्स ये सब इंडेक्स चल गया है, और इसमें वेल का भी एक एंट्री है. सो ये जो एग्जिट होता है वेल का, ये एक सेटअप का खेल होता है. इसको इन लोग ऐसा लेवल पे ओवरबॉट लेवल पर लेकर जाते हैं जो कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है. तो नैसडैक के टाइम पे यही हुआ था, जब नैसडैक क्रैश हुआ था तो वो सिर्फ ट्रेड सेटअप का खेल था, ना कि कोई निगेटिव न्यूज़ आया था टेस्ला में या एप्पल में. लेकिन निगेटिव न्यूज़ इन लोग क्रैश के बाद उसको प्लांट करते हैं, जैसा जो बिडेन साहब ने कहा था कि जुलाई में कहा था कि हम लोग कैपिटल गेंस टैक्स लगा देंगे स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन पे. जुलाई में जो बात कही थी वो इन लोग सेप्टेम्बर में फर्स्ट वीक में न्यूज़ चैनल उसको चलाए थे टू एक्सेंचुएट दी फॉल. लेकिन वो फॉल ये सब निगेटिव न्यूज़ के चलते नहीं आया था. और टेस्ला का भी बैटरी डे का जो इशू था वो भी सब
बराबर न्यूज़ का टाइमिंग फॉल के साथ मैच करके इन लोग उसको प्लान करते हैं। सो ये जो निफ्टी अनप्रेसिडेंटेड तरीके से ओवरबॉट हो गया है, तो इसमें अगर व्हेल में एंट्री लिया है, अभी व्हेल कब एग्जिट करेगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो पकड़ में आया ही नहीं है अभी तक। सो अभी अगर आप निफ्टी का RSI देखिए 68 के आसपास है, और आवरली अगर RSI देखिए तो ऑलमोस्ट 84 जाके ऑलमोस्ट 77 के आसपास खड़ा है। सो दिस कैन गो टू 90 प्लस ऑल्सो। सो निफ्टी 12,500 तक भी जा सकता है, आने वाली वीक की बात हो रही है, और नीचे का लेवल पे 794, सो 11,790 के नीचे अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा। जो इन लोग रैली दिखाए हैं वो पूरा का पूरा रैली खतरे में आ सकता है। 1,000 पॉइंट जो चला है, 1,000 का 1,000 पॉइंट खतरे में आ सकता है बिलो 790, और ऊपर के लेवल पे इट कैन गो टू 12,500 ऑल्सो। सो करना क्या चाहिए? सो हम लोगों ने तो फ्राइडे के क्लोजिंग बेसिस पे 3:25 को एट दी मनी जो पुट्स हैं 11,900 के, और बैंक निफ्टी में 23,900 के हम लोग ने लेके हम लोग गए हैं, जो हम लोग का एलीट टेलीग्राम चैनल में एडवाइस दिया गया था, बिकॉज वी आर नाउ प्रिपेयर्ड फॉर दी एग्जिट ऑफ दी वेल। सो जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग हैं, जो समझ लीजिए फ्राइडे को पहली बार लॉन्ग करके गए हैं इन द होप कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो उनको 790 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि उसके नीचे पानी पानी हो जाना है। और जो लोग शॉर्ट करके गए, जैसा हम लोग पूरा वीक में लॉन्ग थे, लेकिन फ्राइडे को हम लोग को लगा ये हद से ज़्यादा निकल चुका है बात, सो वेल का जो एग्ज़िट है वो शायद मंडे ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड है। सो हम लोग जो शॉर्ट करके गए, हम लोग 12,000 का उसको स्टॉप लॉस रखेंगे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। सो ये क्लियर कट एडवाइस है, इसके अंदर निफ्टी के अंदर मैनिपुलेशन हुआ है। कितना भी पॉजिटिव बात आप, पॉजिटिव न्यूज़ जो होता है ये सब प्लांटेड होता है, और न्यूज़ तो आते ही रहेंगे ऊपर नीचे, और ट्रेडिंग अपने हिसाब से होता है। सो जो ट्रेडिंग करता है वेल, वो अपना एक सेटअप के हिसाब से ट्रेडिंग करता है। सो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेटअप आइडेंटिफाई किया था और लॉन्ग कॉल दिया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अभी सेटअप आइडेंटिफाई करके हम लोग शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। निफ्टी में आपको शॉर्ट करना है, प्रोवाइडेड 12,000 का क्लोजिंग नहीं आवे। 12,000 का अगर क्लोजिंग आ जावे मंडे को या ट्यूसडे को, 12,000 ये कोई भी लेवल आपको दिखा सकता है, लेकिन आज ना कल तो ये बबल फटना ही है, विद इन अ वीक ही ये बबल फटना है, क्योंकि इसके अंदर वेल का एंट्री हो चुका है। तो ये आप बात क्लियरली ध्यान रखिए, जो ऑलरेडी शॉर्ट है उनको 12,000 तक क्लोजिंग का वेट करना है। अगर नहीं आता है तो आप शॉर्ट्स को ऐड कीजिए, और आपको ज़बरदस्त तरीके से जो ये राइज देखा गया है वैसे ही आपको फॉल देखने मिलेगा, आपके जो पुट ऑप्शंस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग करके गए हैं पिछला वीक में, उनको ये 790 का लेवल नहीं भूलना है, क्योंकि ये प्रीवियस टॉप था, सेशन हाई था, पोस्ट कोरोना सेशन का हाई था, और यहाँ पर बराबर वहीं पर लो मार के ये होल्ड करके रखा है उसको। तो क्लियर कट इसमें एडवाइस है, वेल इसके अंदर घुस चुका है निफ्टी में, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर इसमें है, अभी वो कोई लोकल प्लेयर है या कोई सॉफ्ट बैंक जैसा ग्लोबल प्लेयर है, वो तो आज ना कल पता चले या नहीं भी चले, क्योंकि हम लोग के रेगुलेशन लेवल पे उतना अलर्टनेस नहीं है कंपेयर टू ग्लोबल सिनेरियो। सो ये एकदम क्लियर कट आपके लिए एडवाइस है, निफ्टी ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन ये ओवरबॉट से एक्सट्रीमली ओवरबॉट भी हो सकता है। आवरली में 77 का RSI है क्लोजिंग लेवल पे, लेकिन 84 का RSI देख के गया है, ये 90-95 का RSI भी दिखा सकता है। सो 12,500 भी निफ्टी जा सकता है, और डायरेक्ट वहाँ से 11,500 भी आ सकता है। सो जो शॉर्ट किए हैं फ्राइडे को, वो 12,000 का क्लोजिंग का वेट करें, वो उसके बाद अपनी पोजीशन काट लेवे, और जो लॉन्ग किए हैं वो
11,790 का स्टॉप लॉस रखें। सो वेल का एंट्री हो चुका है, ये आप ध्यान में रखिए। सब बेसिक पैरामीटर्स है इसके अंदर, वही आपको ट्रैक करना है। ये जो वाइट लाइन है ये सब बॉलिंगर की लाइन से, तो यहाँ पे देखिए आप बॉलिंगर के नीचे फट गया था ये प्राइस, और ये अभी बॉलिंगर के ऊपर, यहाँ पे देखिए बॉलिंगर के ऊपर फट गया था और कैसा फॉल आया है। यहाँ पे बॉलिंगर के नीचे फट गया था और देखिए कैसा फॉल आया, कैसा स्पाइक आया है। तो यहाँ पे अगर आप डेली बेसिस पे बॉलिंगर देखें तो 948 के आसपास कुछ आता है, तो 50-100 पॉइंट यहाँ से फटने का उम्मीद है। हो सकता है इंट्राडे 12,000 के ऊपर चले जावे, लेकिन हमको क्लोजिंग से मतलब है। सो ये वेल का एग्जिट तो होना ही है आने वाले वीक के अंदर ही, इसको आप ध्यान में रखिए और ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सब एनरिच्ड फीलिंग आ रहा है, थोड़ा नॉलेज में आपका इजाफा हो रहा है, तो कृपया ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।